दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था ऑन चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और इस वीडियो में मैं आपके साथ उस असाइनमेंट के सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा जिसमें मैंने आपको टोटल 15 क्वेश्चन दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो आइए दोस्तों इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं आप सब भी अपने आंसर को क्रॉस चेक करेंगे इस सोल्यूशन वीडियो से दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर वन आइए रीड करते हैं क्वेश्चन को कंसिडर द फॉलोइंग डाटा

दिस प्रिंसिपल एन एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट कि एक एसेट को हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए ना कि मार्केट वैल्यू पे तो इस केस में कंपनी ने मार्केट वैल्यू एसेट को रिकॉर्ड करके हिस्टोरिकलिपल को वायलाइट किया है इसका उल्लंघन किया है ओरिजिनल कॉस्ट में और क्या क्या चीजें लेनी होती है दोस्तों में एक तो एक्विजिशन कॉस्ट परचेस कॉस्ट और वो सभी खर्चे जो इस एसेट को रेडी टू यूज करने में बिजनेस खर्च करता है जैसे की फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन चार्जेज

अच्छे तरीके से क्लियर किया हुआ है तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये दोनों प्रिंसिपल कहते हैं कि एसेट को एसेट की कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना चाहिए ना कि मार्केट वैल्यू पे इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसिज इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट डेट रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट इनकम ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि सभी एक्सपेंस को हमें एक पर्टिकुलर ईयर की रेवेन्यू से क्या करना चाहिए मैच करना चाहिए तो इसका आंसर है दोस्तों मैचिंग प्रिंसिपल मैचिंग प्रिंसिपल ऐसा करने को कहता है इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अब बिजनेस परचेज गुड्स फॉर रूपीज फोर लैक एंड सोल्ड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ सच गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन चार लाख के गुड्स हमने खरीदे थे ये हमारी कॉस्ट थी गुड्स की और इसमें सेवेंटी फाइव परसेंट हम सेल कर चुके हैं इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी कितना रखा होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट इतना माल अभी हमारा अनसोल्ड है अभी बिकना बाकी है आगे कहता है इन रिमेनिंग गुड्स की ये जो ट्वेंटी फाइव परसेंट के गुड्स बचे हैं इनकी मार्केट वैल्यू इस स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट पर कैलकुलेट की हुई है कहता नेम द बीइंग वायलेटेड इन दिस सिचुएशन। बताइए बिजनेस ने स्टॉक को कॉस्ट पे वैल्यू करके कौन से प्रिंसिपल को वायोलेट किया है आप सभी जानते हैं कि एज पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस प्रिंसिपल हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दैट इज एसेट की मार्केट वैल्यू इन दोनों में से जो भी क्या होता है लोअर तो कॉस्ट और एनआरवी में से हमें जो भी लोअर होता है उस उसपे हमें स्टॉक को वैल्यू करना होता है एंड इन दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमारे सामने क्या सिचुएशन है की जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कॉस्ट प्राइस पे जो रखा है वो चार लाख ,00 की टोटल कॉस्ट में से हम सेवेंटी सेल कर चुके हैं इसका मतलब 25% क्लोजिंग स्टॉक हमारा प्राइस का रखा है जो कि है वन लाख ,00 रुपीस तो क्लोजिंग स्टॉक का 1 ,00 है, और की जो मार्केट जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन थी तो इन दोनों में लोअर है दोस्तों तो को बिजनेस को अपने क्लोजिंग स्टॉक को नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रूपीज पर वैल्यू करना चाहिए था जबकि क्वेश्चन में बिजनेस ने अपने स्टॉक को कॉस्ट पे इज वन लाख रुपीज पे वैल्यू किया हुआ है जो कि एकदम गलत है और इसी वजह से ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की बात बिजनेस ने वायलेट की है तो आप यहाँ पे लिखेंगे is, 96, lower, Hence, तो इस तरीके से आप सोल्यूशन लिखेंगे तो आपका सोल्यूशन करेक्ट माना जाएगा इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर अंडर विच कॉन्सेप्ट ओनर ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर टू दिस कैपिटल तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर और ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाता है वो बिजनेस की एक तरीके से इंटरनल लाइबिलिटी माना जाता है और ओनर बिजनेस का एक तरीके से क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स लॉयर्स चार्टेड अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरीज एक्सेट्रा तो दोस्तों जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए जो सुटेबल बेसिस माना जाता है वो होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्योंकि प्रोफेशनल पीपल नॉर्मली कैश ट्रांजेक्शन में ही डील करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन में वो ज्यादा डील नहीं नहीं करते इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल एटलीस्ट टू इफेक्टर के लीस्ट टू इफेक्ट होते हैं टू एस्पेक्ट होते हैं एक डेबिट और दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है क्रेडिट इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवंथ अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एंड एक् इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ Account, तो दोस्तों कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ऐसा होता है क्योंकि कैश बेसिस में ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ऐसा खर्चा जो हमने नहीं किया अभी और अगर कोई में नहीं करते। इन को हम में करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रोस्पेक्टिव लोसेस बट लीव ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट दोस्तों ये प्रिंसिपल है हमारा प्रूडेंस प्रिंसिपल क्योंकि प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें कहता है कि अगर आपको फ्यूचर के कोई प्रॉफिट आज ही पता है तो आप उसे रिकॉर्ड ना करें जब वो फ्यूचर में एक्चुअली में आपको रियलाइज होंगे तभी रिकॉर्ड करें लेकिन अगर आज ही आपको आपको पता है कि फ्यूचर में लॉस होने वाले हैं तो उस लॉस को आप आज ही अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर ले ऐसा प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें करने को कहता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन नेम द काउंटिंग प्रिंसिपल अंडर विच द स्किल्स और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट टीम इज नॉट डिस्कलोज इन द फाइनेंशियल स्टेट एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में हमने देखा था कि ये प्रिंसिपल कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं और दोस्तों आप सभी जानते हैं मैनेजमेंट टीम के जो स्किल्स और क्वालिटी होती है जैसे की ऑनेस्टी हो गई किसी एम्प्लॉय की या किसी एम्प्लॉय की एफिशियंसी प्रोडक्टिविटी उसका बिजनेस के प्रोफिट्स पर और बिजनेस की वर्किंग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है बट इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते इसलिए इसको हम डिस्कलोज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर टेंथ नेम द अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट अंडर विच एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स एट द कॉस्ट इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स मतलब वो प्रिंसिपल हमें बताना है जो ये कहते हैं कि एसेट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए हमें कॉस्ट पे तो दोस्तों इसके दो आंसर होंगे सबसे पहला प्रिंसिपल है दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल जो कि डायरेक्टली ये बात बोलता है कि एसेट को रिकॉर्ड करो कॉस्ट पे उसकी एक्विजिशन कॉस्ट पे और सारे एक्सपेंडिचर पर जो से रेडिट यूज करने में खर्च होते हैं और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल जो की इनडायरेक्टली

या फिर वो इनकम जिस पीरियड की है नेक्स्ट ईयर की है वो तो उसे नेक्स्ट ईयर में ही रिकॉर्ड किया जाता है तो आप वीडियो देख सकते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन की इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ओनली कैश ट्रांजेक्शन दोस्तों इसका आंसर तो आप सब जानते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉगनाइज अंडर द कंपनीज एक्ट टू तो इसका आंसर है दोस्तों अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अगर आपको ये पता होगा पॉइंट तो आप सीधा आंसर इसका लिख के आ सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन फोर्टीन अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज पर वन पार्टिकुलर मेथड ईयर आफ्टर ईयर अगर हमने डायप्रिशिएशन किसी एक मेथड से लगा दिया एस एल एम से फॉर एग्जाम्पल तो हमें अब ईयर आफ्टर ईयर मतलब अब हमें जितने भी फ्यूचर में अब साल आएंगे उन सभी सालों में हमें ये सेम मेथड लगाना चाहिए ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कौन सा कॉन्सेप्ट बोलता है तो वो दोस्तों हमने पढ़ा था कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग एक्सम्स में हमने ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो इसका आंसर होगा ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर इंटरवल्स इन अकॉर्डेंस विद विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो हर बिजनेस मैन अपने की को करता है और हर एक साल बाद रेगुलर इंटरवल पर वो अपनी क्या मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है तो ऐसा हमें कौन कहता है की रेगुलर इंटरवल पर आपको बनानी चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल तो दोस्तों ये टोटल पंद्रह क्वेश्चन थे जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे सोल्व करने के लिए आई होप आप सबके ये 15 के क्वेश्चन 15 ठीक होंगे तो दोस्तों आप सब इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना कि आपके आउट ऑफ कितने मार्क्स आए और आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही और आपको ये असाइनमेंट कैसा लगा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको रिसीव होती रहे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें बाय एवरीवन